हे फ्रेंड्स अल्लाम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो कैसे आप सब तो फ्रेंड्स स्कूल जैसे कि बच्चों की शुरू हो चुकी है तो मैंने स्टेशनरी वगैरह तो लेकर आई हूँ बच्चे के लिए लेकिन उसको जो बुक्स है नोटबुक्स है उसको कवरिंग करना है तो मैंने सोचा कि, कि कवरिंग करते करते आपके साथ शेयर करते कि हम लोग कैसे कवरिंग करते हैं मैसे तो सभी एक जैसे ही करते हैं लेकिन सबका वे डिफरेंट होता है तो मेरा भी आप देख लो कि मैं कैसे करती हूँ तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ अगर तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ने ये स्टिकर रखे हुए हैं और स्टिकर पर नेम भी लिखना है और कवर है और ये सब बुक और नोटबुक्स है इस तरह से अभी अरीब सेकंड क्लास में चले गए हैं तो उसके लिए हम लोग को सब बुक्स पर और नोटबुक्स पर कवर करना कवरिंग करना था तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं तो देखिए सब नोटबुक्स है और ये बुक्स है तो इन पर कवरिंग करते हैं हम लोग तो आप देखिए कि हम लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम लोग ने सब चीज़ें ले ली थी और मतलब एक इंसान का काम नहीं है क्योंकि इसमें दो ही लोग लगते हैं तो मैंने मेरी बहन को बोला था तो फिर मेरी बहन और हम दोनों इसमें कर रहे थे तो देखिए इस तरह से पहले हम लोग मैथमेटिक्स का बुक पर कवर लगा लिए और ये बुक्स ना थोड़ी कवर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं क्योंकि वो नई नई होती है ना तो उसकी वजह से उसके अंदर एयर आने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देने लगती है बुक्स तो इतना मतलब सेट करना पड़ रहा था बुक को और फिर लगाना पड़ रहा था तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है कवरिंग करने में हमारा बुक्स ने तो देखिए इस तरह से और देखिए देख सकते हो आप इस तरह से हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे और उसे सेट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था फिर कटिंग करने के बाद हमने इसको सेलो टेप से स्टिक कर दिया ताकि निकले ना स्टेपलर था मेरे पास लेकिन उसकी जो पिन होती है ना स्टेपलर की वो नहीं थी मतलब वो भी है लेकिन मैंने कहाँ रख दी मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो फिर हम लोग ने इसको सेलो टेप से ही स्टिक कर लिया तो देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम दे रही थी बुक नोटबुक तो बहुत झटपट ही हो गई लेकिन बुक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि उसमें बार बार एयर आ जा रहा था उसे बहुत ज़्यादा सेट करना पड़ रहा था देखिए इस तरह से आप देख सकते हो इस तरह से तो हमारी बुक्स के कवर लगे तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं और हर साल जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जब भी बच्चा स्कूल में जाता है तो सबको ये कवरिंग करना पड़ती है बुक को क्योंकि बुक को एक साल चलाना पड़ता है तो बच्चे ख़राब कर देते तो ये वो हिसाब से कवरिंग सभी करते हैं तो देखिए इस तरह से हम लोग सेलो टिप लगा रहे थे और ऐसे कट करके हम लोग ऐसे लगाते हैं आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना तो इस तरह से साइड से कट कर लिए थे चारों तरफ से इसके जो एजेस थे वो कट करके और फिर उसे अंदर फोल्ड करके इसको सेलोटेप सेलोटेप सेलो टेप से स्टिक कर दिए थे तो देखिए इस तरह से हम लोग ये लगा रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब आगे की जो इंग्लिश की बुक्स थी और इंग्लिश की बुक मैथ की बुक इन सब दो दो तीन बुक्स में बहुत ज़्यादा ही एयर आने लग जा रहा था कवर में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और हमें उसे बार बार अंदर से सेट करना पड़ रहा था और फिर उसे कोई भी वज़न वज़नी चीज़ के ऊपर नीचे दबा कर रखना पड़ रहा था तो जिसकी वजह से हम लोग उसे बाद में सेट कर पा रहे थे तो देखिए इस तरह से हम लोग नहीं देखिए इस तरह से इसको अंदर फोल्ड करना होता है इसको स्टेपलर भी कर सकते हैं लेकिन स्टेपलर की पिन जैसे मैंने आपको बताया वो मेरी गुम हो गई है तो मुझे नहीं मिल रही थी तो मैंने इसे स्टिक किया तो इस तरह से हम लोग ने हमारी बुक्स को कवरिंग किए देखिए दूसरे इसको भी ऐसे ही करना पड़ रहा था तो हमने सब एक बार एक फटाफट फटाफट करके रख दिए थे और फिर बाद में एक साथ में स्टिक कर दिए थे जब तक वो थोड़ा प्रेस हो गई थी तो उसकी वजह से वो एयर निकल जा रहा था उसी अंदर से तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर बुक्स को कवर हो लग चुके हैं तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद में कवर लगाने के बाद हम लोग ने स्टिकर लगवा दिए नोटबुक्स पर बुक्स पर सब पर हमने स्टिकर लगवा दिए और ज़्यादा मैंने ऐसे डॉल वगैरह के स्टिकर नहीं लाई या तो फिर ऐसे जो भी होते हैं कार्टून के स्टिकर मैं सिंपल स्टिकर लाई हूँ तो देखिए इस तरह से हम लोग ने स्टिकर भी लगा दिया और उस पर मुझे नेम सब्जेक्ट स्टडी डिविजन सब कुछ डालना था तो फिर वो मैंने बाद में इसके ऊपर सब राइट कर लिया तो देखिए इस तरह से दिख रही है हमारी बुक्स और कवर लगने के बाद कितनी अच्छी लगती है बुक बहुत ही अच्छा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग